माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। घर संभालते संभालते मेरा थकान किसी को नजर नहीं आता। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाओ। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। फोन पर अपनी माँ से कहा। रमा जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, मैं कल ही आ जाऊंगी। रमा खुश होकर बोली, हाँ बेटा कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर जाना है। रमा जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे पूजा सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है, आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। यह आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छा रहेगी। सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर पूजा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकान भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन खाना बनाकर मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यह आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होता है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान अब तू ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे पूजा की सुन ली और उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती है। रमा जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया, पहले तो कभी वो तुम्हें आने के लिए मना नहीं करती थी, इस बार भला क्या हो गया, लाओ मेरी बात कराओ। उनको मैं समझाती हूँ, निशा ने फोन अपनी सास के पास दिया। रमा जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल निशा कल त्योहार के लिए अपने मायके आना चाहती है, अगर आप उसे भेज देती तो अच्छा रहेगा। निशा की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जा कर रहे इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई, वह आपकी बहू पूजा की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि पूजा को साल में एक बार अपने मायके जाने को मिलता है और वो भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले पूजा को उसके मायके भेज देना चाहिए और वो जब मायके होकर आएगी तो मैं निशा को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात है जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है निशा के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वो आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वो आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी।
ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आइए, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। रमा को अपनी समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ निशा भी अपनी भाभी के बारे में हो रहे इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपने भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती, और जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। रमा जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि पूजा, कुछ दिनों के लिए निशा नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम मायके होकर आओ। यह सुनते ही पूजा का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन पूजा अपने मायके गई और इस बार एक दो दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई, और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था। पूजा आने के बाद निशा भी अपने मायके आ गई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। निशा ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाया। वह कहीं ना कहीं पूजा के साथ गलत व्यवहार कर रही थी। दूसरी तरफ पूजा अपने ससुराल वालों के बदले रवैया से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। रमा जी अपने बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव से सास बहू और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि आपको भी अपनी बेटी और बहू में कभी फर्क नहीं करना चाहिए। जब आप अपनी बहू को बेटी बनाकर रखेंगे तो वो भी आपकी बेटी बनकर ही रहेगी। अपनी बेटी का जब आपको दुख दिखता है तो दूसरों की बेटी का दुख आपको समझना चाहिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।